महासचिव प्रियंका गांधी इस बार यानी 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, इस बात की प्रबल संभावना है। हालांकि वे किस सीट से चुनाव लड़ेंगी इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि वे गांधी परिवार की परंपरागत सीट से ही चुनाव लड़ सकती हैं। इस बीच उनके वाराणसी से चुनाव लड़ने की अटकलें भी गर्म है। दरअसल पिछले दिनों उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने यह कहकर अटकलों को जन्म दिया कि प्रियंका गांधी वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। इतना ही नहीं, वे चुनाव भी जीत सकती हैं। वैसे इस बात की संभावना कम ही है कि प्रियंका गांधी पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि वे ऐसा करके अपने राजनीतिक करियर को दांव पर लगाना नहीं चाहेंगी। अपनी चुनावी पारी की शुरुआत वे जीत के साथ ही करना चाहेंगी। यह जीत उन्हें वाराणसी के बजाय रायबरेली से मिल सकती है। रायबरेली से प्रियंका गांधी की चुनाव लड़ने की संभावना ज्यादा बन रही है। बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य के चलते सोनिया गांधी शायद ही रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरे। सोनिया गांधी की उम्र 76 साल से ज्यादा हो चुकी है, ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हाल ही में उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी कहा था कि प्रियंका को लोकसभा में होना चाहिए।